हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम, आई एम रुचि शर्मा। साल 2022 क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए बेहद मुश्किल भरा दौर रहा, जहां क्रिप्टो प्राइसेस ही नहीं बल्कि एनएफटी सेल्स और ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बुरी तरह गिरते हुए देखी हमने। लेकिन इस बुरे वक्त के दौर में भी एक ऐसा सेक्टर है जिसने ना सिर्फ तरक्की करी बल्कि खूब चमका, और वो है गेमिंग सेक्टर। तो क्या है इसके पीछे की वजह और इससे जुड़े बहुत से सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं LYNC के को फाउंडर और एनएफटी कलेक्शन इत्सुकी के फॉरेस्ट एल्डर विश्वास भूषण। वेलकम टू 3.0 TV विश्वास। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर। यस विश्वास, जिस विश्वास जैसे कि हमने बात कही कि 2022 जो साल था वो एक्चुअली क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल से भरा था। हमने टेरा लूना कोलैप्स देखा, हमने देखा बहुत सी जो कंपनीज है वो बैंक्रप्ट हो गई। साल खत्म होते होते भी हमने FTX कोलैप्स देखा। तो इन सब का एक बहुत ही बुरा इफेक्ट पूरी जो है इंडस्ट्री पर पड़ा, कहीं ना कहीं अफेक्ट हुआ हर सेक्टर, लेकिन सिर्फ गेमिंग सेक्टर जो है वो अनअफेक्टेड रहा। आपको क्या लगता है इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि गेमिंग सेक्टर अभी वेब थ्री में अभी भी बहुत ज्यादा अर्ली है, क्योंकि अब अगर आप देखो तो हाउ मेनी गुड गेम्स आर एक्चुअली अवेलेबल, कितने जो वेब थ्री बिग हिट गेम्स हैं वो आपने एक्सपीरियंस करा है 2022 में। 2022 में हमने वेब थ्री गेम्स, प्ले टू अर्न, गेमिंग गिल्ड्स के बारे में सुना, राइट? एंड उसमें अभी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। हमने देखा एरा ऑफ JPEG, हमने देखा एरा ऑफ PFP, मैंने देखा कि कैसे NFTs मतलब पीपल कैन एक्चुअली बाय NFT एंड फिर उसका मेटावर्स का कनेक्शंस। बट एट द सेम टाइम हमने अभी भी ट्रू डिजिटल ओनरशिप नहीं देखा है, हमने NFT एज इन गेम एसेट्स नहीं एक्सपीरियंस करा है। सो अभी बहुत सारी चीजें हैं जो हम एक्सप्लोर करेंगे, एंड दैट्स व्हाई लाइक एवरीवन इज ट्राइंग टू बिल्ड, एवरीवन इज लाइक इनटू गेमिंग, एंड इस सेक्टर में लाइक अभी भी लाइक देयर आर अ लॉट ऑफ पोटेंशियल बिकॉज अभी भी ये बहुत अर्ली फेज में है। तो विश्वास, जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि हम अर्ली फेज में हैं और इंडिया में आप यू नो इस सेक्टर की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, हम खासतौर पर अगर आप ही कलेक्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू यू कि आपकी जो कलेक्शन है इत्सुकी वो 12 घंटे में सोल्ड आउट हो गई। एंड आई थिंक अपने आप में ये इकलौती ऐसी कलेक्शन थी इंडिया की जिसने इतना अच्छा परफॉर्म किया, और इसके पीछे एक बहुत ही अच्छा एक नेक कॉज भी है। हम एक काम कर सकते हैं कि हम रियल लाइफ, रियल वर्ल्ड और NFT को कनेक्ट कर देते हैं, and that's how Itsuki came into the picture. So Itsuki ka cause ye hai ki on transactions we are actually planting tree. Abhi tak humne 2000 trees plant kar diya hai, Uttarakhand mein humne plant kara hai. So we have collaborated with Sankalp Taru like is non-profitable organization and they are helping us, and ye sare trees trackable hain. And holders are getting a certificate of plantation. उनको ये perfectly clear है कि अच्छा हमने ये plant करा और ये certificate of plantation हमें मिल रहा है, और ये जो certificate of plantation है वो sold bound token, वो transferable नहीं है, किसी को transfer नहीं हो सकते for, तो ये आपके साथ हमेशा रहेंगे। And फिर हम इनसे explore कर रहे हैं possibilities of monetizing carbon credits and exploring GameFi. Right. So, कुछ 6,666 की जो कलेक्शन थी और आपने कुछ 2,000 ट्रीज लगा दिए और कुछ 4,000 और ट्रीज अभी आप लगाएंगे, राइट? सो हमारा ऐसा है कि हम एवरी ट्रांजेक्शन पे लगा रहे हैं बिफोर जो भी प्रूफ ऑफ स्टेक के पहले जितने भी ट्रांजेक्शन हुआ उसमें हम सारे उतने ट्रांजेक्शन का हम लगाएंगे। सो हमने 2,000 अभी लगाया है और टोटल ट्रांजेक्शन उसके पहले 13,000 हुए थे। Okay. So, हम 13,000 ट्रीज लगाएंगे एंड 2,000 ट्रीज से हम इन फ्यूचर ऑफसेट कर रहे हैं 96,000 पाउंड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एंड अगर हम 13,000 ट्रीज की बात करें सो द फिगर इज वेरी ह्यूज एंड उससे फर्क पड़ता है। उतना कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ ऑफसेट नहीं हो रहा बट ऑक्सीजन भी जनरेट हो रहा है, राइट? तो यहाँ हमने बात की यूज केसेस की भी, हमने थोड़ा सा मेंशन किया। तो विश्वास, जो गेमफाई और मेटावर्स है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जो है गेन कर रहा है क्रिप्टो यूजर्स में, और इसीलिए हमने देखा कि बहुत सारे प्ले टू अर्न प्लेटफॉर्म्स भी आ रहे हैं जो अपनी कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए वेरियस फॉर्म्स ऑफ यूटिलिटीज एंड यूज केसेस लेकर आ रहे हैं। कुछ इस तरह के नए यूज केसेस आप जरा बताएंगे, हमें मेंशन करेंगे उनके बारे में जो आजकल ट्रैक्शन गेन कर रहे हैं गेमिंग सेक्टर में? कि वी हैवंट एक्सपीरियंस्ड और वी हैवंट विटनेस वन बिग हिट इन वेब थ्री गेम। अब इसका प्रॉब्लम जो है वो बहुत ही सिंपल है कि सिंप्लीफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जब मोबाइल गेमिंग और गेमिंग इंडस्ट्री 2010 में जो था
हम उसी उसी फेज में अभी राइट नाउ वेब थ्री गेमिंग, बट डिफरेंस ये है कि तब सिंप्लीफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर था, लोग गेम्स पे फोकस करते थे, गेमिंग इकोनॉमिक्स पे फोकस करते थे, गेमिंग एक्सपीरियंस पे फोकस करते थे, एयर ड्रॉप पे फोकस करते थे, राइट मैकेनिक्स पे फोकस करते थे, न्यू आइडियाज पे फोकस करते थे. अब वो सारी चीजें अभी नहीं एक्सप्लोर हो रही हैं, बिकॉज लोग दे आर फॉलोइंग क्विक कैश, उनको क्विक सक्सेस चाहिए. बट अगर आप मास अडॉप्शन की बात करो तो अभी भी बहुत लोग हैं जो गेम लाइक वेब थ्री गेम डेवलपर लाइक वेब थ्री गेम्स बनाने के लिए रेडी हैं, बट उनको सिंप्लीफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए राइट बिकॉज दे डो नॉट हैव कैपिटल, उनके पास एनफ बड़ी टीम नहीं है बिकॉज एक इंडी गेम डेवलपर्स कैन नॉट अफोर्ड इट. तो विश्वास, जो ये गेम फाइव मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही टोकन सेंट्रिक है। सो जो प्रोजेक्ट ओनर्स हैं वो पहले अपने टोकन्स इशू कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं, उसके बाद वो कोई ना कोई गेम बिल्ड करने की अनाउंसमेंट करते हैं। तो ऐसे में जो गेम्स हैं वो बेसिकली एक जरिया है टोकन्स को एक पुश देने का। सो ऐसे में टोकन्स कम फर्स्ट एंड गेम्स कम सेकेंड, वॉट इज योर व्यू ऑन दैट? आई थिंक लाइक आई एम गोना सो दिस इज लाइक वन ऑफ माय मेजर इशू व्हाई वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन लिंक एज वेल. राइट सो लिंक इज अ गेम फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर व्हिच सिंपलीफाइज ब्लॉकचेन गेमिंग फॉर एवरीवन. द पॉइंट इज कि आप एक बेसिक एग्जांपल ले लो, लेट्स से पबजी और फोर्टनाइट. कभी आपने ये सुना है कि फोर्टनाइट ने आपसे 2,000 रुपये पहले मांगे हैं गेम खेलने के लिए? नहीं फॉर एग्जाम्पल आपने जीटीए खेलने के लिए 2,000 रुपये दिए या फिर 3,000 रुपये दिए, बट यू आर पेइंग फॉर दैट पर्टिकुलर गेम. अब गेम के अंदर भी यू हैव टू पे एन अमाउंट विच यू डू नॉट ओन, समझ लो. राइट सो आई थिंक लाइक राइट नाउ मेजर फोकस ये होना चाहिए कि लोग गेमिंग एक्सपीरियंस पे ज्यादा फोकस करें. टोकन्स नो डाउट कि टोकन्स इंपॉर्टेंट है, बट वन शुड नॉट हैम्पर द गेमिंग एक्सपीरियंस. आप ये सोचो ना कि आप सिर्फ इन गेम मार्केट, इन गेम एसेट का मार्केट साइज में बताऊं अगर आपको, सो दैट इज $54 बिलियन. एंड ये आंकड़ा मैं मतलब 2021 का बता रहा हूँ आपको. राइट एंड जो टोटल गेमिंग मार्केट है दैट इज मोर देन $250 बिलियन. राइट अब ये $250 बिलियन में सिर्फ $54 बिलियन आपको इन गेम एसेट्स का है, एंड वी डू नॉट इवन ओन दीज इन गेम एक्चुअली एसेट्स यस क्योंकि ये ब्लॉकचेन पे नहीं है. अगर मान लो कि एंड मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो $1,000-2,000 पर मंथ स्पेंड करते हैं गेम एसेट्स में, दे बाई दीज एसेट्स. बट अगर मान लो कि उनका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो गया, दे फॉरगॉट देयर पासवर्ड और वो गेम ही बैन हो गया उनके कंट्री में, दे कैन नॉट यूज इट. एक्चुअली सो ये जो टोकन वाला पार्ट है कि यू हैव टू होल्ड एन एनएफटी टू प्ले द गेम, इट इट शुड बी मोर अबाउट लाइक प्ले द गेम ऑन द रिवॉर्ड्स एंड गेट द एनएफटी, अपग्रेड द एनएफटी. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी इंसान आता है, वो गेम खेलता है, उसको स्टिकनेस लगता है, वो गेम और खेलता है, एंड ही कंप्लीट मल्टीपल माइलस्टोन्स एंड लेवल्स, देन ही गेट द पॉइंट्स व्हिच कैन बी टर्न इनटू अ टोकन. तो जो हमने यहाँ पे प्रॉब्लम्स की बात करी, ये बताइए विश्वास कि आपको क्या लगता है किस तरह के एलिमेंट्स या फैक्टर्स होने चाहिए किसी भी प्लेयर का किसी गेम में इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए, और इस वक्त करंट सिचुएशन में या करंट टाइम्स में आपको क्या लगता है कौन सी गेम है जो इन सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करती है? एक तो लाइक इलोवियम है. इलोवियम इज गुड गुड गेम इन टर्म्स ऑफ एंड दे आर लाइक डूइंग रियली ग्रेट इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग अ ग्रेट गेमिंग एक्सपीरियंस. उसके बाद अगर आप ये देखोगे कि छोटे छोटे गेम्स जो बहुत बड़े नहीं है, डॉगामी इज रियली गुड. डॉगामी इज लाइक दे बिकेम ह्यूज बिकॉज उनका आइडिया बहुत सही था, लाइक यू कैन एक्चुअली ओन अ वर्चुअल पेट ऑन योर फोन. सो इट रिमाइंड्स मी ऑफ हैविंग अ वर्चुअल पेट एज अ ड्रैगन. सो क्योंकि मेरे पास, मैं वो गेम खेलता था एंड वो बहुत ही एडिक्टिव है बिकॉज यू आर ओनिंग अ वर्चुअल पेट एंड यू हैव टू फीड इट, यू हैव टू प्ले विद इट. सो बट अगर ये सारी चीजें ब्लॉकचेन में हो रही है तो और मजेदार है बिकॉज नाउ आई ट्रूली ओन दैट पर्टिकुलर पेट. फर्स्ट फोकस ऑन गेम, आप गेम्स पे फोकस करो गेम शुड बी द प्रायोरिटी एंड हमेशा एग्जैक्टली मैं क्योंकि ये बता रहा हूँ ना, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करना बहुत ही आसान है. आप यूट्यूब पे 3-4 वीडियो देखोगे, आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर दोगे, फिर आप ट्वीट कर दोगे कि आई एम अ ब्लॉकचेन डेवलपर. राइट बट डिप्लॉइंग अ ऑप्टिमाइज्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी हार्ड.
एंड एट द सेम टाइम आप ऑप्टिमाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करने से भी कहानी खत्म नहीं होता, वहां से शुरू होता है बिकॉज यू हैव टू ऑडिट योर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट. टोटल अगर नंबर ऑफ गेमर्स अगर देखो इन द वर्ल्ड दैट इज 3.4 बिलियन. सो 3.4 बिलियन पीपल आर प्लेइंग गेम्स. हर दूसरा इंसान दुनिया में गेम खेल रहा है. बट वेब थ्री गेम्स में गेमर जो है लाइक दे आर अराउंड लाइक 5 मिलियन to 10 मिलियन एंड एक्टिव तो बहुत कम. तो हमें ट्रैक्शन लाने के लिए पहले गेम्स लाने होंगे, गेम्स लाने होंगे और उनको इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा, इटरेट करना पड़ेगा. अगर रिक्वायरमेंट है तो पिवट भी मारना पड़ेगा. एंड देन वी विल गोना फाइंड 1 in a million आइडिया एंड दिस 1 in a million आइडिया विल गोना हेल्प अदर पीपल टू लर्न एंड टू एक्सपेरिमेंट मोर एंड टू इनोवेट मोर. अभी हम इनोवेशन फेज में नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट थ्री गेमिंग सेक्टर में. ठीक है, तो विश्वास जैसे हमने बात की कि 2022 में क्रिप्टो डाउनफॉल हमने देखा, लेकिन सेम उसी ईयर में जब ये क्रिप्टो डाउनफॉल चल रहा था, वेब थ्री को बहुत ही हैवी इन्वेस्टमेंट मिली और उस इन्वेस्टमेंट का 62.5% जो था वो गेम फाई के लिए या ब्लॉकचेन गेमिंग को गया, विच वॉज अराउंड $4.5 बिलियन. तो इट्स अ ह्यूज अमाउंट. इस सक्सेस के पीछे क्या की फैक्टर्स या रीजंस आपको लगते हैं? द फ्यूचर ऑफ गेमिंग. मैं अगर ये बताऊं कि पहले जो अगर आप इवोल्यूशन ऑफ गेम इंडस्ट्री देखोगे तो पहले आर्केड गेम्स थे. नॉर्मली पीपल गो टू द गेमिंग स्टूडियो लाइक गेमिंग पार्क्स जहां पर वो गेम खेलते थे. फिर वो गेम्स आ गए कंप्यूटर गेम लाइक आपके कंप्यूटर पर, आपके टीवी पे. फिर उसके बाद और एसेट्स आए, गेम्स आपके चले गए इंटरनेट पर. नाउ पॉइंट इज कि ट्रू डिजिटल एसेट ओनरशिप अभी भी नहीं है एंड कैश फ्लो अभी भी वन वे में ही हो रहा है. नाउ ब्लॉकचेन गेमिंग इज स्टिल वेरी अर्ली एंड इट इज एक्चुअली अनलॉकिंग ट्रू डिजिटल एसेट ओनरशिप. ऑल्सो इट इज अनलॉकिंग डाइवर्स कैश फ्लो. सो इससे ये होगा, फॉर एग्जाम्पल गेमिंग इंडस्ट्री ऑलरेडी बहुत बड़ा है. एंड गेमिंग इंडस्ट्री में अगर आप अभी जितने भी इन्वेस्टमेंट हुए हैं मोस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर के टूवर्ड्स लाइक वीसीज का ज्यादा इंक्लिनेशन है. एंड दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एक सिंप्लीफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आ गया विद लाइक इधर लाइक लिंक विल गोना ब्रिंग इट और इधर सम एल्स. द होल पॉइंट इज कि बहुत सारे डेवलपर्स ऑलरेडी हैं जो गेम बना रहे हैं एंड वो पुश कर देंगे गेम. तो अभी जो आपको 250+ बिलियन डॉलर का मार्केट अभी एग्जिस्टिंग गेम इंडस्ट्री का है, दैट विल गोना लाइक बी अ ट्रिलियन डॉलर मार्केट. बिकॉज सिर्फ तब गेम नहीं होगा, क्योंकि तब फिर आपके टोकन्स होंगे, आपके इन गेम एसेट्स एज एन एनएफटी होंगे, डायनेमिक एनएफटी, सोलबाउंड एनएफटी. इंडिया में क्या फ्यूचर दिखता है इसका? क्योंकि अगर हम सर्वेस देखें तो वेब थ्री इकोसिस्टम के मामले में इंडिया थर्ड आता है वर्ल्ड में, और साथ ही अगर पी टू ई गेम्स की बात करें तो उसमें लीड कर रहा है इंडिया, ये भी एक सर्वे के मुताबिक कहा गया था. तो क्या फ्यूचर देखते हैं आप इंडिया में? इंडिया में इसकी कितनी ग्रोथ होगी? आई थिंक लाइक हमारे पास एक अनदर चांस है टू लीड द होल वेब थ्री इकोसिस्टम. हमने वेब टू में अपना चांस ऑलरेडी, वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट द चांस टू लीड वेब टू, बट वेब थ्री में हमारे पास चांस है टू लीड दिस स्पेस. Why? Because sirf it's not just about ki hum like we are a country of 1.4 billion people. Sirf wo baat hai nahi. Builders agar dekho na to jitne bhi projects abhi hain usme mostly Indian hi builders hain. Right. In terms of innovation, in terms of building the stuff and number of projects bhi agar aap dekho web3 mein, India are actually like leading that particular space. Thank you so much, Vishwas, हमसे बातचीत करने के लिए, हमें गेमिंग सेक्टर के बारे में इतनी सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन देने के लिए और अपना यू नो वैल्यूएबल टाइम भी हमें देने के लिए. थैंक यू सो मच. Thank you so much for inviting. It was really nice talking to you. इस बात में कोई शक नहीं कि गेमिंग सेक्टर में बहुत पोटेंशियल है और आने वाले साल में, आने वाले दिनों में हम इसमें और ज्यादा ग्रोथ होती हुई देखेंगे. इस स्पेशल सेगमेंट में फिलहाल इतना ही. दिस इज मी रुचि शर्मा साइनिंग ऑफ. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू 3.0 TV. हैव अ ग्रेट डे.